गंदी जगहों पे तुम्हारी नजरें बहुत जाती हैं कंजरों, वहां पे अपनी पैंट की जेब खोलो और धार मारना शुरू कर दो, जिस तरह ये करता है सारा पानी गंदा करने वाली है वहां में। I got it on me, best believe it's on me, diamond showing, and they talking for what's up? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? मज़े में। अच्छा भाईजान, क्या सीन है कि तुम लोग देख रहे हो कि मुझे ना इस जगह से उनसियत और मोहब्बत और प्यार वाला सीन हो गया। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो अपने आप को फुल मतलब रिलैक्स सुकून माहौल महसूस होता है। देख रहे हो भाई, 12:01 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा सुबह तो मेरे ख्याल में जल्दी उठ गया था। क्या सीन था कि भाई सुबह भाई को लेके आना था तो उसकी ट्रेन लेट थी, तो फिर दोबारा भाई सुबह टोन, उसके बाद 8 बजे करीब मैं उठाऊँ फिर भाई को लेके आऊँ, तो अम्मा मुझे कहती भाई नाश्ता कर, तू पापा से पापे खा पापे, तुझे रोटी नहीं मिलने लगी। और आधा पापा तो तुम लोगों को पैसे ही पता है, चाय के अंदर डब्बा वैसे ही वो गिर जाता है। खैर मुकमुका करके नाश्ता शास्ता कर लिया, उसके बाद मैंने चेंज चेंज नहीं किया था। मैंने कहा यार जब भाई को लेने जाऊंगा फिर ही चेंज करूंगा, भाई को लेके आऊं तकरीबन 10-11 बज गए थे। तो आज भाई बहुत स्पीड में टाइम जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जा रहा हूं भाई, काम है, छोटे मोटे काम है, फिर जब भाई को लेके आया हूं थोड़ा सा घर के काम किए, सब्जी सुब्जी लाने थी, ठीक है, इधर उधर काम करके तकरीबन 11-12 तो ऐसे हो गए पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा यार इतवार का दिन है तो निकलते हैं, आज थोड़ा सा रिलैक्स है, खाने छाने की भी भूख लग रही है। सुबह तुम लोगों को पता है हल्का फुल्का नाश्ता किया, चाय शाय पी ली थी, बस ज्यादा कुछ नहीं किया था। तो मैंने सोचा यार कुछ बाहर जाते हैं, जिशान भी पकड़ेंगे और तुम लोगों को मैं मिलवाता हूं। तुम लोगों को कहा था ना मैंने हफ्ते को जुम्मे वाले व्लॉग में कि इसको मैं पकड़ूंगा और इसकी आज शामत लगाएंगे, तो इससे मैं पूछता हूं इसने क्या टोपियां कराई हैं। बहुत टोपियां कराने लग गया ये, ठीक है, बहुत ड्रामे करने लग गया, और इससे आज मैं सही क्लास लूंगा और इससे सही खाए पिएंगे। दूसरा सीन ये कि मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि भाई मुझे यहां पे ना थोड़ा सा सुकून माहौल महसूस होने लग गया, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब तुम लोगों को मैं वहां पे शूट करता हुआ दिखाई देता था तो काफी ज्यादा लोग जनाब आपको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं यार, क्या कर रहा हूं, जैसे मैं मुजरा कर रहा हूं या फिर मैं नंगा हुआ पड़ा हूं या मेरी मतलब पीछे से पैंट फटी हुई है, क्या हो गया यार, यूं करके देख रहे होते हैं भाई वहां, यूं क्यों, क्या चल रहा है भाई, मतलब बंदा कैमरे के सामने आने से भी इतना ग्रेस करता है कि मतलब वहां पे पब्लिक के सामने आप कैमरा खोल रहे हो तो आपको वहां अजीब मखलूक समझेगी यार, क्या पता नहीं किसी एलियन हो या किसी और मखलूक या प्लेनेट से है वो। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वालिटी मिलती है इस प्लेस पे कि कोई नहीं है भाई, सुकून है आस पास, चुप करके आओ, शूट बनाओ, मजे करो, थोड़ी देर सुकून करो, बैठो, गपशप लगाओ और डन, फिर जाओ खाने पीने, अपने घर जाओ, रूटीन बनाओ, सही है, समझ रहे हो, ये सीन है भाई। इसलिए मैं यहाँ पे आप सोच रहा हूँ कि यार यहीं पे डेली बेसिस पे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून माहौल है। मैं तुम लोगों को मिलवाने लगा हूँ फिर से उसी टोपी बात से जो तुम लोगों को बहुत टोपियां कराता है। जुम्मे वाले व्लॉग में मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि ये मैच पे गया होगा और वैसा ही हुआ, शाम को इसके बिल्कुल एग्जैक्ट शाम को मैसेज आए, हाँ यार मैं मैच पे था, तुझे पता है जुम्मे का दिन छुट्टी होती है तो फिर मैं मैच पे था। अब तुम लोगों की इसकी टोपियां सुनते जाओ और लपेटते जाओ। हाँ भाई, जैसे तू शापर खेल रहे वैसे मैं भी शापर बगैर था, मुझे टोपी बाज कह रहा है, तो शापर नहीं, शापर मुझे तो ये बता को जुम्मे को शापर है, चुप करो, शापर है, शापर है, शापर है, क्या कहा था मुझे ये बता, जुम्मे वाले दिन सिर्फ सोना है या मैच खेलना है, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं, क्यों कोई प्लान नहीं, जब मेरे से तूने बात किया कि मैं आऊंगा फिर दाढ़ी शाड़ी आ गई, अब टाइम खत्म हो गया। नहीं तो तू मुझे सुबह कह रहा था कि हाँ मैं ठीक है सुबह चक्कर लगाऊंगा, ठीक है सुबह मैं शॉप पे आऊंगा बेकरी पे और वहीं से जुम्मा पढ़ के मैच शाम को खेलना होगा, दोपहर में आया नहीं तू, दोपहर को सोना है, शाम को दोपहर में मैसेज किए कि हाँ किधर है, जवाब नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा था, तू मुझे ये बता जवाब क्यों नहीं दे रहा था यार, मैं तो सोया हुआ था इस वजह से रिप्लाई नहीं कर सके, मैं मैच पे चला गया शाम को, फिर रात का टाइम हो गया, फिर खा पी के फिर जुर्माना दे, जुर्माना यार, तो खिलाएगा यहाँ से फिर तेरी जान छूटेगी, वरना यहाँ पे डूब के मारिए पानी है ना इसके अंदर, थोड़ी गोते मार, जो 200 रुपए इजी पैसा किया ना वो जुर्माने के आगे, ठीक है मैं खिलाऊंगा नहीं, 200 रुपए घर लेके भाग रहा हूँ बेटा, याद रखी, हाँ ठीक है जाऊँ फैमिली पार्क में चला जा आपको, ठीक है। नहीं मुझे तो ये बता कि 200 रुपए इजी पैसा किया वो किस लिए गया, ये नहीं बता तू, नहीं तू टोपियां कराता है पब्लिक, जो जुर्माना, जो जुर्माना टोपियां कराता, समझता है कि जब तू मुझे इस तरह की टोपियां करा के समझता है कि ये मुझे खिला रहा, कुछ नहीं खिलाता, आधे आधे बिल मुझसे भरवा लेता ये, हां तो सही है ना, तू अपना खाता है मैं अपना खाता हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, तू अब मुझे तू लेके आया ना भाई, मैं नहीं लेके आया भाई, मैं नहीं लेके आया, जुर्माना भर, किस जुर्माना भर जो कल मुझे टोपी, किस चीज का जुर्माना, मुझे खिलावा वहां से, कोई जुर्माना नहीं है, कोई 1 रुपया जुर्माना नहीं देना, अभी तो वो दिन गए जब जुर्माना देता था, अब दाढ़ी शाड़ी आ गई, अब चक्कर सारा खत्म, तो दाढ़ी आ गई तो अब क्या, अब जो मैंने दाढ़ी रखी है लौंडेबाज मौलवी नहीं हूं अब मैं भी। नहीं तो तू मुझे खिला नहीं रहा फिर, नहीं कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ घर, खुद ही रक्षे पे आ, रक्षे पे आ, रक्षे पे आ, तकरीबन टाइम वगैरह हो रहे हैं तकरीबन 11-12 हो रहे हैं, अब शॉप पे रखे हुए आईफोन 11X और XS Max, ठीक है, और ये अब 7 है, कुछ दिनों पहले 8 चला रहा था भाई, चेंज करता रहता है, कंजर चीज नहीं खिलाता मुझे, बगैर अमीर बंदे हैं, अमीर ब्रांड है, अमीर तो चीज खिलाना, कुछ खिला दे मुझे, जुर्माना क्यों नहीं भरता, दे दे यही दे दे, ठीक है अल्लाह हाफिज़।
मैं थोड़ी देर बाद जाने लगा हूँ, ठीक है, खाने पीने। तुम लोग सोच रहे हो भाई कि ये 1 बजे 12 1 बजे मुंह उठा के व्लॉगिंग शूट करने लगे, तो भाई सीन कुछ ये है, व्लॉगिंग का कोई मोल नहीं है। जब तुम्हारा दिल लगे मुंह उठा के कैमरा पकड़ो और शुरू हो जाओ। घर मेरा दिल नहीं लग रहा था, तुम लोगों को पता है बादल शादल आ रहे हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि यार निकल लेते हैं। ये ले रोने वाली शक्ल ना बना, पकड़ है गंदी जगह तुम्हारी नजरें बहुत जाती है, समझ रो, शर्म करो, कुछ हया करो। इसका यहाँ पे इस प्लेस का एडवांटेज ये हुआ है कि भाई मुझे कोई पब्लिक नहीं देख रही यहाँ पे, जो मर्जी करो, ठीक है, कोने में ले जाओ, मतलब मेरा मतलब है कोने में जाओ थोड़ा सुकून करने के लिए। ये नहीं कि तुम लोग वहाँ पे अपनी पैंट की जेब खोलो और धार मारना शुरू कर दो, जिस तरह ये करता है। ये आवाम वैसी है, ये आवाम के ट्यूबवेल के अंदर जब जाएंगे ना तो वहीं पे मतलब सुसू सारा पानी गंदा करने वाली आवाम है, सारा पानी गंदा करने वाली आवाम है, सारा पानी गंदा करने वाली आवाम है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे और जो कोई नन्हे से जो प्यारे प्यारे जो सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे होते हैं वहाँ पे आके वो कुलियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा क्या सीन है, चले फिर खाने पीने, कोने में क्या कर, किधर जाना है? ये इधर टेबल है ना, इधर बैठ, गंदे काम करने का ज्यादा शौक है तुझे, तुझे मैं बताऊँ। पब्लिक किधर, हवा में ही नहीं नजर आ रही तुझे, क्या पब्लिक चल रही है यार, हवा बहुत छुच रही है मेरे ख्याल में। चले यार मेरे ख्याल में हवा चल रही है, खाना खाते पीते हैं। अच्छा वालेकुम सलाम, अब यहाँ पे निकल दो भाई, बहुत जबरदस्त हवा चल रही है, 5-10 मिनट यहाँ पे बैठते हैं। तुम लोगों को फिर मैं मिलता हूँ किसी खाने की स्पॉट पे। यार आज मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा कैपिटल किचन पे जाया जाए, भाई काफी दिनों से मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, भाई कुछ खाएं पिएं मजे करें, काफी दिनों के यार उधर नहीं गए, देखते हैं ऐसे पता करता हूँ कि क्या बताता है। इससे भाई पहले ही मैंने पैसे निकलवा लिए, पैसे सेंड कर भाई, तू मुझे इजी पैसा कर दे, जैसा मर्जी कर दे, तू मुझे हाफ पेमेंट सेंड कर दे, ये बड़ा टोपी बात है, पैसे से खा लेता है मेरे और फिर मुझे सेंड नहीं करता, फिर कहता ठीक है अगली बार खिला लूंगा। अगली बार जब तुम्हारी बारी आती है तो उस वक्त भाई कहता है कि क्या सीन है अगली बार, इस तरह टोपिया कराते कराते भाई पैसे तुम लोगों के रिटर्न नहीं मिलते। यार ये पेंचे ना थोड़ा मोड़ लेता हूँ, तुम लोग देख रहे हो ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तुम मुंह उठा के वैसे आगे तैयार होके आया करो घर से निकलते वक्त। लल्लू देख रहे हो यार ये पेंचे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जनाब निकलते हैं सीधा। ओके ये जबरदस्त हो गया, चलो माहौल तो भाई तुम लोग बाइक देख रहे हो मेरी साफ़ सुथरी हुई पड़ी है यार, उसको साफ करवाइए, अब तक साफ चल रही है, टंकी देखो चमक रही है। खैर दोबारा अगर जरूरत शुरूत पड़ी भाई दोबारा सुबह उसको साफ वॉश वगैरह करवा लेंगे। खैर 10-15 दिन गुजर जाएं फिर देखते हैं भाई, क्योंकि बारिशों वालों के हालात भी चल रहे हैं, बारिश वगैरह भी होगी तो फिर तुम लोगों को पता है वही हाल हो जाने हैं, गारे शारे जम जाने हैं। खैर लॉक खोलते हैं यार, एवें एवें तुम लोगों का कारनामा दिखाता हूँ, तुमने इस पर कारनामा कर दिया, चेक कर खा ले मुंह में खा ले गंदे पर भाई कबों ने, शुक्र है गद्दी शद्दी साफ है वरना पीछे आपके लाइन पे निशान पड़े होते यार। आए हाय मॉल सारा खराब कर दिया यार कवे तूने, क्या करता है यार। अभी आ चुके हैं हम कैपिटल किचन, यहाँ से देखते हैं भाई कुछ खाना पीना दोबारा से। ये देखो कारनामा जो तुम लोगों को मैंने दिखाया, कवे ने यहाँ पे कारनामा कर दिया, एसी बंद किया है यार इन लोगों ने, इधर ही चलते हैं भाई। यार यहाँ से तुम लोगों को बताया जी जी, यहाँ से करते हैं भाई क्लब सैंडविच की डील, और तो कोई हम लोगों को सही जज नहीं रहा, मतलब पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा और जिंगर शिंगर नहीं मजा करते, क्लब सैंडविच यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है यार, कोई डील देखते हैं उसके बाद शायद बोलो शटल कर लेंगे साथ और फिर देखते हैं भाई क्या। क्लब सैंडविच है भाई वो रोस्ट चीफ बीफ सैंडविच है और मुख्तलिफ़ किस्म की सैंडविच है, चिकन सैंडविच क्लब सैंडविच करते हैं, उसके बाद ग्रिल चिकन सैंडविच भी है भाई जान, और पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा पास्ता सस्ता ये सब तुम्हें मिलेगा भाई। थोड़ी देर मैंने सोचा कि यार डील शील हो जाएगी जब तक थोड़ी देर कुछ पिक्चर बना लें इसके आईफोन 7 से, आईफोन 7 का भी बेटर रिजल्ट है, दिखा यार तब दिखा आवे बड़ा तू उधर। ये देखो जनाब ये जो तस्वीर बनाई है मैंने, ये कोर कमांडर की, कोर कमांडर मेरी दिखा दो बेटा, टेबल टॉकिंग चेक करा, हां ये दिस इज एक्सप्रेशन ब्रो, दिस इज एक्सप्रेशन, ओए होए किसी का इंकार होगा इस पे देख, किसी का इंकार बदला बच्चा है, बंद करो फोन कर, तुझे जबरदस्ती पकड़ा पैसे तो नहीं देना इंशाल्लाह। आ चुके हैं हमारे फिर से दोबारा से, ये शुरू भी हो गया, थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो तुम वीडियो बनाते, या आ जाओ हमारे फ्राइज और ये सैंडविचेस, चलो यार टेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तू दरवाज़ा देख और जा, मज़े किया और भूख लगी है, तू 2 मिनट बैठ जा वीडियो बना। मैं कहता हूँ तू बाहर निकल जा, दरवाज़ा देख रहा ना, बाइक की चाबी देता हूँ, बाहर जब खा लूँ फिर आ जाना, ठीक है रखो फिर मेरी दुकान पे आ जा। ठीक है तू फिर निकल जाए, मैं जब तक खा के आता हूँ उसे आ जा, फिर तुम लोगों को यार साफ करके मिलते हैं मुका के। खैर सैंडविच तुम लोग देख रहे हो एकदम साफ सुथरा, जिस तरह के हम लोग बनाते हैं भाई, जब जिस दिन भी आए हैं प्लेटें स्लेटें हमेशा साफ ही होती हैं। अभी यहाँ पे कोल्ड शोल्ड नहीं पीते हैं, प्याज साथ भी लग रही है तुम लोगों को बताया, भूख शोक के साथ प्याज शाज और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। शुक्रिया यार निशान आपने आज बिल पेश किया है, तू ही बिल दे रहा है, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो वो मेरा बाइक पकड़ा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुझे यहाँ पे मैं रक्षे को उतार दूँ, तो रक्षे पे आ रहे हैं ठीक है, बस बोतल पिला दे फिर यहाँ से मैं चला जाऊँगा। ठीक है शुक्रिया भैया आपने आज इतना अच्छा ट्रीट किया। स्प्राइट बॉस लीटर ठंडी है, हाँ फुल ठंडी है, बिल इससे ले लीजिएगा, बिल दे देना यार ठीक है, वो डिस्पोजेबल भी दीजिए। पकड़ बोतल यार बोतल तो
की आवाज़ें तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है तुम्हें ठीस ठीस की आवाज़ें। दो तीन ये एक गिलास डाल और बाकी मुझे देख के ना निकल जा। एक गिलास दे दे भाई, अल्लाह का राम हमारा दे दे भाई, बहुत प्यार लग रही है भाई। भाई दे थोड़ा सा और दे देना भाई, खल्ले खाओगे भाई तुम लोग, मैंने छोड़ना है ना भाई शॉप। बहुत ठंड होगी, बस 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 गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, बस कर भाई। इसके काम चेक करो, डंगरों की इतना खाता है, सारा टेबल पे गिरा दिए, ये देखो लखदी लाना। अपना वॉलेट उठा लेते हैं इधर जेब में, ये ग्लासेस पहन लेते हैं, चाबी। I got it on me, best believe it's on me. Diamonds showing, and they talking for me. She said she loved me, but what the f*** do love me? They hit her on me, like where the f*** we going? Because girls, they didn't wanna have fun, but we तो सीन कुछ ये हुआ कि भाई तुम लोगों ने देखा कि यार मैं उसको छोड़ के आ गया था, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि तुम लोग जाग रहे हो, 5-10 मिनट या आधा घंटा सो लिया जाए तो बंदा सब फ्रेश हो जाता है। लाइट शेड जला लेते हैं, मेरे ख्याल में लाइट भी आ गई होगी। यस, तुम लोग दिख रहे हो यार मैं उठ चुका हूँ, ठीक है। फ्रेश फ्रेश हो गया भाई, मुंह हाथ धो के बंदा एकदम मस्त हो जाता है। आधे घंटे की नींद भी कर ले, बहुत होता है भाई खाने शाने के बाद आधे घंटे की नींद करो तुम लोग ओके होते हो, ठीक है। तो अब क्या सीन है यार, मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में चाय शायद बन गई होगी या फिर मिल्क शेक वगैरह कुछ इस तरह का कोई सीन है। बाकी तुम लोग सुनाओ फिर, कैसा जुर्माना ठोका? ठोका है ना फिर सही से भाई, इसी तरह मैं ठोकता हूँ। जब कोई जुर्माना ठोकवाना हो ना फिर मेरे पास आओ, तुम लोगों को फुल टाइम बिल प्रूफ तुम्हें जुर्माना मिलेगा, जैसे शांत से दर्ज की है। और एक और बात भी बताऊँ भाई, तुम लोगों को मैंने उससे इजी पैसा पहले करवा दिया, मेरी चालें सुनो। पहले मैंने उससे इजी पैसा करवाया कि भाई मैं भी बिल दे दूंगा, इजी पैसा उससे लिया 300-400। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कैपिटल किचन में जब वो बिल देने की बारी आई ना, मैं उसके बिल हाथ में थमा के आराम से चुप करके दरवाजा खोला और बाहर। ये होती है ट्रिक, सीखो भाई सीखो। और रो रहा बाद में, वो तूने मेरा इजी पैसा ले लिया। मैंने कहा भाई तू और जुम्मे को कहानियां खेलेगा, हम भी तेरे साथ ही कहानियां खेलेंगे। मिलते हैं फिर किसी दिन, कोई शेड्यूल बनाते हैं, कोई रूटीन बनाते हैं भाई, कोई इधर उधर जाने की, कोई देखते हैं कोई सीन वगैरह। तुम लोगों को बताऊं भाई, और भी लोग भी आने, टेंशन ना लो, मुझे याद है सब कुछ भाई, सरप्राइज वगैरह वो सीन भी बनेगा जल्द, टेंशन नहीं लेनी। सो देखते हैं भाई क्या सीन होता है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। अरे आज मिल्क शेक भी मिल रहा है भाई, आज तो प्रोटोकॉल मिल रहा है मुझे, मिल्क शेक भी आ चुका है और मेरे ख्याल में चाय शाय बन जाएगी। मिल्क पिक देखते हैं मिल्क शेक कैसा है, आम का भाई लेवल कमाल, रज कमाल। आमों का सीजन चल रहा है, तुम लोग भी आम शाम पियो और फड़काओ, आम शाम मिल्क शेक बना के सब चीजें फड़का दो, आज आम शाम पी के तुम लोग मोटे ताजे हो जाओ। फिर मिलते हैं, बाय बाय। Yeah, that was a whole lot of smoking.